तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास जियो की सिम है और आप यहाँ पे पुराने प्लान का रिचार्ज करवाए हैं तो 2021 में क्या होने वाला है, 2021 में आपको कौन से प्लान का रिचार्ज लेने वाला है, क्या बड़ा बदलाव होगा यहाँ पे 2021 में, जियो का नया प्लान आएगा कैसे कैसे, क्या पूरी अपडेट यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाले। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, कन्फ्यूजन था कि मेरा जो आयुषी मिनट है उसका क्या होगा, मैंने 2020 में रिचार्ज एडवांस करा लिया है तो मेरा क्या होगा, 2021 में क्या नया प्लान आएगा, फिर से हमको रिचार्ज कराना पड़ेगा, पूरी डाउट आपकी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए कमाल स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है, पूरी बात इस वीडियो हम सीखेंगे। तो सबको बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आप जियो के यदि सिम यूज करते हैं तो जियो का कौन सा प्लान ले रखे हैं, जरूर अपना अपना प्लान कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चल सके आप ये प्लान चूज किए हैं। ठीक है, आइए पूरी बातें समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। पहला लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि तो भाई ये बताइए कि क्या यहाँ पे जियो 2021 में नया प्लान लॉन्च करेगा, हमको नया रिचार्ज कराना होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, नया प्लान नया रिचार्ज जो भी आपको कराना होगा, यदि पुराना रिचार्ज आप कराए तो घबराइए मत, आपका पुराना रिचार्ज ही इसमें चलेगा, 2021 में भी नया रिचार्ज नहीं कराना होगा। और हाँ रही प्लान की बात, तो नए प्लान कुछ लॉन्च किए जाएंगे, अभी कोई अपडेट नहीं आया, पुराने प्लान जो जितने प्राइस में थे वही रिचार्ज आपको कराना होगा। ठीक है, कुछ प्लान चेंजेज होंगे तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, जैसा मैंने एक दो प्लान अपडेट हुआ था पीछे मैंने आपको बताया भी था। तो सबको बताना चाहूंगा, जो सेकेंड लोगों का कमेंट आ रहा है कि यहाँ पे क्या मेरे आयुषी मिनट का क्या होगा, ठीक है, और जो मेरे यहाँ पे पहले के बचे हुए मतलब आयुषी मिनट है उसका क्या होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आयुषी मिनट वगैरह जो भी था वो तो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से सारा अपडेट हो चुका है, आयुषी का टेंशन यहाँ आपको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा जो लोग आयुषी मिनट था लोग घबराए मत, और उस मिनट का क्या होगा ऐसे कुछ बातें नहीं है, आपको आप यदि अपने प्लान वाले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे वायरस वाले सेक्शन में अनलिमिटेड कॉल करके दिखा रहा होगा, इस तरह से ऑप्शन आ गया होगा, तो घबराइए मत, यहाँ पे आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल का ऑप्शन आ चुका है। आयुषी मिनट का टेंशन नहीं, यदि है तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड कॉल का वहां पे ऑप्शन आ चुका है। तीसरा जो कमेंट था कि क्या हमको फिर से रिचार्ज करवाना होगा 2021 में, बिल्कुल नहीं, वही वाला रिचार्ज आपका चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यदि आयुषी मिनट आपका बचा है तो उससे कोई बात नहीं, सबका यहाँ पे जो भी 2021 के प्लान थे ना सबको अनलिमिटेड कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों का पुराना प्लान जितने लोगों का था ना सबको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, यदि आप 2020 में रिचार्ज कराना था 2021 के हिसाब से चल रहा है, यानी आयुषी का टेंशन खत्म है, उसको अपग्रेड कर दिया गया और अनलिमिटेड कॉलिंग दे दी गई है पुराने वाले ही रिचार्ज पे, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से नया वाला रूल लग चुका है, तो आपको अनलिमिटेड कॉल दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हमको आयुषी मिनट यूज करना है या मेरे लिए कुछ नया रिचार्ज कराना होगा ऐसा कुछ नहीं, पुराने रिचार्ज जो नया प्लान यहाँ पे मतलब अपग्रेड हुआ है उसी में एक्टिवेट हो गया, मतलब अनलिमिटेड कॉल आप कर सकते हैं, आयुषी का टेंशन नहीं है। तो दोस्तों जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आज के कैसे रही आप लोगों के लिए, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।